का वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ऐसे और बहुत सारे वीडियोज़ देखने के लिए तो फ़िलहाल जल्दी से बढ़ते हैं वीडियो की तरफ बिकॉज बहुत ही ज़्यादा लंबा ना हो जाए वीडियो आप लोग बोर हो जाएंगे तो मैं जल्दी से आप लोग के साथ ड्रेसेस शेयर करती हूँ एंड अगर आपको कुछ भी लेना है तो सभी का लिंक और सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी तो या सो गाय स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो फ्रॉम दी कुर्ती आई एम वेयरिंग बिकॉज़ ये कुर्ती मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है इसका जो पैटर्न है वो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है मैंने बहुत सारे हॉल्स किए हैं अगर आप लोगों ने हॉल्स देखे होंगे तो ये पैटर्न आपको नहीं मिलेगा तो ये जो अंग रखा पैटर्न है ना ये काफ़ी डिफरेंट है एंड ट्रेंडिंग है इसे आप लाइक छोटे मोटे गेट टुगेदर में भी यूज़ कर सकते हैं इस कुर्ते को एंड कॉलेज वगैरह जाना चाहते जाते हैं अगर आप तो उसमें भी यूज़ कर सकते हैं इट कलर का बॉटम वेयर इजिली इसके साथ मैच हो जाएगा बट आप अपनी जीन्स वगैरह के साथ भी इसे पेयर कर सकते हैं तो काफी प्यारा लग रहा था साइड में लाइक आप देख सकते हैं साइड में डोरी है उसे आप टाई कर लीजिए का जो जो पैटर्न है वो पट्टी लगाई गई है वो नीचे तक आपको मिलती है एंड उसमें आपको लेस भी मिलती है थ्री फोर्थ स्लीव है स्लीव्स के एंड में भी आपको लेस मिलेगी प्योर कॉटन इसका फैब्रिक है आगे पीछे दोनों साइड सेम फैब्रिक है एंड काफी काफी अच्छा है तो आप इसे डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं अंडर फाइव हंड्रेड रुपीज आपको मिल जाएगी मीशो से भी आई गेस ये अमेजॉन पे भी है तो वहां से भी मिल जाएगी लिंक वगैरह सब मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी तो वो आप चेक कर लीजिएगा बट या ये वाली तो आपको एक बार ट्राई जरूर करनी चाहिए वैसे ही कुछ नेक्स्ट भी है तो ये एक अनारकली पैटर्न का कुर्ता है एक्चुअली इट्स अ कुर्ता प्लाजो एंड दोपट्टा का सेट इस तरीके से आपको मिलता है इसका घेर गाइज आई मीन सीरियसली इन लव विद दिस घेर बिकॉज ये बहुत अच्छा एंड सफिशेंट घेर है बिकॉज लोग अनार के लिए बोल देते हैं बट उसमें घेर नहीं देते हैं तो इसमें काफ़ी अच्छा घेर है बॉर्डर पर आपको एक अलग से पट्टी लगाई गई उसमें लेस है अंदर भी लेस है एंड इस तरीके का ये ब्यूटीफुल सा आपको ड्रेस पे प्रिंट मिलता है ये कपड़े के साथ का ही प्रिंट है हैवी प्रिंट है जिसकी वजह से बिल्कुल भी शेयर नहीं है कॉटन फैब्रिक है सॉफ्ट है एंड इस तरीके का इसमें भी आपको थोड़ा सा अंग रखा स्टाइल का पैटर्न मिलता है आप देखिए क्योंकि ये पैटर्न ना आजकल बहुत ट्रेंड कर रहा है एंड मुझे बहुत पसंद है इस तरीके से साइड में डोरी है आप इसे टाई कर सकते हैं डोरी के एंड में इस तरीके से आपको टास्ल्स मिलते हैं तो यहाँ पर भी पट्टी लगाई गई है जो कि इसकी ब्यूटी को कर रही है फॉर श्योर आई कैन से बिकॉज बहुत प्यारा पीस है और टर्न आप लेंगे तो कितना अच्छा इसमें घेर है थ्री फोर्थ इसमें स्लीव मिलती है स्लीवस के एंड में भी पट्टी लगाई गई है गोटा पट्टी का वर्क किया गया है श्योर नहीं है एंड फिर आप और क्या लेंगे इसमें लाइक इसमें वाइट के नीचे आपको पैंट्स मिलती हैं एंड लाइक एंकल्स तक आ रही थी अपनी ये पैंट आप ना जाने कितनी सारी ड्रेसेस के साथ मैच कर सकते हैं बिकॉज व्हाइट कलर तो मैच होता ही है एंड प्लेन ये व्हाइट है और काफ़ी मेरे एंकल्स तक आ रही थी मेरी जो हाइट है वो फाइव फाइव है एंड काफ़ी अच्छी लग रही है इसमें इस तरीके से दुपट्टा मिलता है आपको पैंट एंड कुर्ते का मिक्स करके एंड बॉर्डर पे आपको यहाँ पर पट्टी लगाई गई है जिसमें गोटा पट्टी का भी वर्क किया गया है एंड ये क्योंकि इसमें साइड्स में दोनों साइड लगाई गई है तो इससे इससे वेट प्रोवाइड होता है जिसकी वजह से आप इसे गले में सिंपली डाल करके छोड़ सकते हैं तो आप इसे डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं बिकॉज अनारकली जो अनारकली सूट सेट होते हैं वो थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं बट ये रेंज में मुझे मिल गया था तो इसलिए मैं आपके साथ शेयर हूँ जैसे आ, कुर्ता प्लाजो का सेट है इसका जो कलर है गाइज ये बहुत अच्छा है अगर आपको ये चाहिए तो आप ये फॉर श्योर ले सकते हैं क्योंकि इसका कलर बहुत डिसेंट है आपको कम ही मिलता होगा एंड मीडियम साइज में मैंने लिया है नेक पे वाइट कलर से आपको एम्ब्रॉयडरी फॉल्स मेर वर्क और जरी वर्क बहुत कुछ किया गया है एंड इसमें प्रिंट भी मिलता है जो ये वाइट कलर से ना ये ड्रेस में जो आपको दिख रहा है वो अलग से प्रिंट है ऊपर से प्रिंट किया गया है स्लिटेड एरिया पर आपको यह ब्यूटिफुल से टास्ल मिलते हैं यहाँ पर गोटा पट्टी का वर्क किया गया है सिल्वर कलर की गोटा पट्टी को यूज़ किया गया है बॉर्डर पे भी आपको सेम वही गोटा पट्टी मिलती है पीछे भी आपको इस तरीके से प्रिंट मिलता है कॉटन फैब्रिक का है पूरा कलेक्शन ही जो मैंने पिक किया है वो कॉटन फैब्रिक पर ही है एंड इस तरीके का है इसमें प्लाजो पैंट्स मिलते हैं जो कि इस तरीके के हैं वेस्ट बैंड पे दोनों साइड आपको इलास्टिक मिलता है एंड इसमें पॉकेट नहीं दी गई है इस तरीके से आपको इतना ब्रॉड लेग्स मिलते हैं नीचे आपको वही वर्क किया गया है जो आपको नेक पे मिलता है तो पूरा एक कंप्लीट सा लुक आ रहा था बिकॉज के कैन में भी यही आपको मिलता है एंड लाइक प्लाजो कैंस में भी यही मिलता है शेयर नहीं है मीडियम साइज के अकॉर्डिंग इसकी फिटिंग काफ़ी अच्छी है नेक्स्ट जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ इस थ्री पीस सेट और फैब्रिक तो जैसे मैंने बता दिया कि सबका कॉटन ही है इट्स फ्रॉम दी ब्रांड जयपुर कुर्ती आई गेस या एंड इस तरीके का है प्योर कॉटन है थोड़ा सा कलर इसका ऑरेंज शेड जा रहा है एंड इसमें आपको इस तरीके से कुर्ता मिलता है मैंड्रेन थोड़ा सा प्रोफेशनल लुक आ रहा था अगर आप कॉलेज वगैरह मतलब ऑफ़िस के लिए यूज़ करना चाहते हैं घर पे तो पहनेंगे कोई भी ड्रेस चल जाएगी मना नहीं करेगी बट या थोड़ा सा ये मैंड्रेन कॉलर होती है ना तो जिसकी वजह से ऐसा लगता है थोड़ा प्रोफेशनल टच आ रहा है ड्रेस में है फ्रंट में ना यहाँ पर पट्टी लगाई गई है जो कि एंड में यहाँ पर स्लेट होता है तो ये फ्रंट स्लेटेड कुर्ता है साइड स्लेटेड कुर्ता भी है कपड़े के साथ का ही इसमें प्रिंट है बट ये हाई स्लिट नहीं है कंफर्टेबल बहुत था पहनने के लिए थ्री फोर्थ इसमें स्लीव मिलती है स्लीव स्कैंड में ये गोटा पट्टी का वर्क किया गया है गोल्डन कलर से एंड पीछे भी सेम प्रिंट है आगे भी सेम प्रिंट है कपड़े के साथ का ही प्रिंट है तो ये कहीं नहीं जाने वाला है जितना आप वॉश कर रहे हैं आप उतना मतलब ये सॉफ्ट होता जाएगा एंड इस तरीके से बॉटम वेयर दिया गया है आपको वाइट बेस पे ऑरेंज कलर का है आगे बेल्ट लुक पीछे इलास्टिक मिलती है एंड पॉकेट्स की बात करूँ तो या आपको एक साइड पॉकेट मिलती है एंड नीचे आपको यहाँ पर इतना ब्रॉड लेग मिलता है तो ये प्लाजो है जिसकी वजह से पूरा दिन आप इसे आराम से कंफर्टेबली वेयर कर सकते हैं समर्स में इस टाइप की ड्रेसेस बहुत अच्छी लगती हैं एंड इसका कॉटन का ही दुपट्टा है एंड इस तरीके से आपको पट्टी का वर्क मिलता है यहाँ पर साइड्स में चारों तरफ मिलता है दुपट्टे तो की लेंथ बिल्कुल भी छोटी नहीं है एंड कुर्ता एंड जो बॉटम वेयर है उसके मिक्स कुछ इस तरीके का प्रिंट आपको मिलता है ट्राई ऑन में आपको पूरा अच्छे से दिख रहा होगा मैंने गले में भी लगा कर दिखा दिया है क्योंकि बिल्कुल छोटा नहीं है तो ये आपको अराउंड चौदह पंद्रह सौ में मिल जाएगा एंड जो नेक्स्ट पीस मैं दिखा रही हूँ वो भी प्योर कॉटन है बट ये आपको शायद एट हंड्रेड समथिंग में मिल जाएगा मैं थोड़ा सा कम कम्पेरिजन भी बता दे रही हूँ जिससे अगर आप थोड़ा सा पैसे बचाना चाहते हैं तो वो भी बचा सकते हैं लाइक ये थ्री पीस का सेट बहुत अच्छा है ये थ्री पीस का सेट मैंने मीशो से लिया है तो मीशो वाला तो ज़्यादा अफोर्डेबल होगा ही तो अगर आप इस पर इन्वेस्ट करेंगे तो भी कॉटन ही है तो ये आई थिंक बेटर ऑप्शन हो सकता है इस तरीके का है आप नेक पर देखिए यहाँ पर भी पूरा लेस का वर्क किया गया है अलग से पैच वर्क किया गया है यहाँ पर एंड लेस है जो वाइट कलर की बहुत प्रिटीसी में लेस है एंड ये रहा इस तरीके का है स्लिटेड ये कुर्ता है पीछे भी प्रिंट है आगे भी प्रिंट है कपड़े के साथ का प्रिंट है श्योर बिल्कुल भी नहीं है फिटिंग इसकी बहुत अच्छी है एंड यहाँ पर आपको थ्री फोर्थ स्लीव्स के एंड में भी ये पट्टी मिलती है पट्टी को मैच कराया गया है आई I मीन mean ये बॉटम वेयर को कुर्ते से मैच कराया गया है तो ये एक कंप्लीट सा लुक लग रहा था एंड ये जो कलर है थोड़ा सा ग्रीन बेस पे पिंक इन्स होकर आ रहा है पिंक एंड वाइट एंड ये कलर सब पे अच्छा लगता है क्योंकि ये कॉटन है प्योर कॉटन है तो ये ब्रीदेबल है फिटिंग इसकी बहुत अच्छी है लुक बहुत डिसेंट आ रहा था एंड काफ़ी कम्फर्टेबल तो है ही है बॉटम वेयर इस तरीके से मिलता है वेस्ट बैंड पे दोनों साइड आपको इलास्टिक मिलती है तो इलास्टिक जो होती है ना वो अच्छे से एडजस्ट हो जाती है तो काफ़ी कम्फर्टेबल होता है एंड नीचे से ये थोड़ा सा नैरो है तो मतलब पूरा दिन लेकिन इतना ब्रॉड है कि आप पूरा दिन आराम से इसे पहन सकते हो अगर आप लाइक ओ... ऑफिस जा रहे हो तो पूरा दिन आपको बैठ के काम करना है तो उसके लिए काफ़ी कंफर्टेबल हो जाती है सारी ड्रेसेस एंड इसमें इस तरीके से दुपट्टा मिलता है बिकॉज ये बहुत हीवी सा प्रिंट है आप देखो बहुत लाइट वेट है बट हैवी सा प्रिंट है एंड दुपट्टा बिल्कुल लाइट सा दिया गया है बिकॉज़ फिर हैवी दुपट्टा भी फिर वो कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं लगता है साइड में इसमें आपको पट्टी लगा दी गई है एंड वाइट कलर से ये दुपट्टा है सिंपली आप गले में लगा करके उसे छोड़ सकते हैं एंड इस तरीके का ये है तो कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लग रहा है थोड़ा लाइट एंड हैवी का कॉम्बिनेशन दिया गया है कंफर्टेबल बहुत है प्राइस में बहुत अफोर्डेबल है आप इसे डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं एंड अच्छे तो सारे ही हैं बट प्राइस जिसका कम है वो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगी क्योंकि क्वालिटी भी अच्छी है प्राइस भी कम है तो आप उसे ट्राई कर सकते हैं लाइक like दिस कुर्ता बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है ये जो कलर है ना वो सब पे अच्छा लगता है प्योर कॉटन की कुर्ती है अंडर फाइव हंड्रेड रुपीज़ आपको मिल जाएगी एंड यहाँ पर आपको पट्टी मिलती है नेक राउंड है थोड़ा सा कट मिलता है थ्री फोर्थ इसमें स्लीव मिलती है स्लीवस के एंड में भी पट्टी मिलती है एंड ये इस तरीके से स्लिटेड कुर्ता साइड में स्लिट मिलता है वाइट कलर के बॉटम वेयर के साथ आप इसे फॉर शेयर sure पहन सकते हैं जीन्स पे भी पहन सकते हैं अपनी अच्छा लगेगा कॉलेज वगैरह के लिए काफ़ी अच्छा है फिटिंग इसकी बहुत अच्छी है शेयर बिल्कुल भी नहीं है और कॉटन फैब्रिक है तो इसलिए सम और एप्रोप्रिएट है बहुत ही अच्छी इसकी लेंथ है मेरी जो हाइट है वो फाइव फाइव है उस अकॉर्डिंग आप एक आइडिया लगा सकते हैं कि साइड ड्रेसेस अगर आप इनमें से कोई भी लेना चाहते हैं तो आपके कहाँ तक आएगी बट ये जो दो मैंने दिखाए हैं काफ़ी अफोर्डेबल है मतलब सारे ही बहुत अच्छे हैं बट प्राइज वाइज कंपेयर करके आप डेफिनेटली ले सकते हैं

ब्लैक कलर ना बहुत अच्छा लगता है यार स्मार्ट सा तो उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है कि वो अच्छा नहीं होगा इस तरीके से मैंने मीडियम साइज में लिया है इसमें भी आपको पैच वर्क मिलता है थ्री फोर्थ स्लीव मिलती है स्लीव्स के एंड में यहाँ पर रेड कलर से आपको थोड़ा सा थ्रेड वर्क किया गया है स्लेटेड ये कुर्ता है जो भी प्रिंट है इसमें कपड़े के साथ का ही प्रिंट है वाइट कलर से तो ब्लैक एंड वाइट का कॉम्बिनेशन बड़ा ही अच्छा लग रहा है इस तरीके का ये है एंड इसमें प्लाजो पैंट्स मिलते हैं इस तरीके से प्लाजो है काफ़ी एक पैर इतना चौड़ा है तो काफ़ी कम्फर्टेबल होगा कॉटन है एंड uh, यहाँ पर वेस्ट बैंड पे दोनों साइड इलास्टिक मिलती है पॉकेट आपको इसमें नहीं दी गई है बट कंफर्टेबल बहुत है श्योर sure, ये बिल्कुल भी नहीं है एंड मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया एंड इसका दुपट्टा भी बहुत खूबसूरत है इस तरीके का दुपट्टा है ब्लैक एंड वाइट कलर का बॉर्डर जो है मतलब जो साइड्स दिए गए हैं वो ब्लैक कलर से दिए गए हैं एंड बीच में जो है वो बेसिकली वाइट कलर का है जिसपे ब्लैक कलर से प्रिंट uh, है बट ये ओवरऑल कपड़े के साथ का प्रिंट है इसकी जो लेंथ है दुपट्टे तो की बहुत ही अच्छी है आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा एंड जो नेक्स्ट मैं आपके साथ शेयर करी हूँ गाइज़ वो बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल सी कुर्ती है आपको टू हंड्रेड और समथिंग में मिल जाएगी सो so, बहुत ही लाइट वेट इसका फैब्रिक है येलो कलर की ये जो मैंने कुर्ती आप लोग के साथ शेयर करी है इसको वाइट कलर के आप किसी भी बॉटम वेयर के साथ आराम से पहन सकते हैं बिल्कुल सिंपल है बट इस टाइप की ड्रेस ना लाइक आप अपने शरारा पे पहन लें तो थोड़ा और इन्हेंस होके आ जाएगी थोड़ा सा और ज़्यादा स्टैंडर्ड लगने लगेगा बट आप जीन्स पे पहन लीजिए तो तो बहुत स्मार्ट सा लोग आ जाएगा तो इसको काफी तरह से आप यूज कर सकते हैं और काफी है, है, कंफर्टेबल है तो ये भी आप सकते हैं ये मरून कलर का है इसका ब्लू कलर भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है दोनों ही कलर बहुत प्यारे हैं इस तरीके से काफी प्यारा सा पीस है ये अगर जैसे लाइक आप फैमिली गेट टुगेदर में जा रहे हो या डिनर पार्टी पे जा रहे हो आप सूट पहनते हो तो इस टाइप की ड्रेसेस बहुत कम्फर्ट फर्टेबल भी होती है और थोड़ा बिल्कुल कॉमन भी नहीं लगती है और बहुत अच्छी भी लगती है तो इसको आप ट्राई कर सकते हैं नेक पे आपको एम्ब्रॉयडरी मिलती है वाइट कलर से मरून कलर का ये कुर्ता है उस पर काफ़ी बेस पे काफ़ी अच्छा लग रहा है एंड इस तरीके से थ्री फोर्थ स्लीव स्लीवस पे डिफरेंट टाइप के दो लेसेस लगाई गई हैं वाइट कलर से एंड फ्रंट में आपको पूरा यहाँ तक नीचे आप देखो एम्ब्रॉयडरी मिलती है वाइट कलर से पीछे से पूरा प्लेन है मीडियम साइज के अकॉर्डिंग इसकी फिटिंग काफ़ी अच्छी है लुक काफ़ी अच्छा है इसका एंड पर्सनली मुझे ये भी बहुत अच्छा लगा एंड ये कलर जो है बहुत अच्छा लगता है सभी पर इस तरीके से दुपट्टा मिलता है दुपट्टे पे चारों तरफ आपको लेस लगाई गई है शिफॉन पर ये दुपट्टा है एंड दुपट्टा बिल्कुल भी छोटा नहीं है बट इसे आप गले में लेकर के रखेंगे तो काफी कंफर्टेबल रहेगा क्योंकि यू नो शिफोन के दोपट्टे हैं तो या तो आप साइड में पिन लगा लें या तो आप इसे सिंपली अपने गले में डाल के छोड़ दें एंड इसमें इस तरीके से प्लाजो पैंट्स मिलते हैं वेस्ट बैंड पे दोनों साइड इलास्टिक है कॉटन फैब्रिक का है एंड ये प्लाजो पैंट्स आप अपनी बहुत सारी बहुत मतलब बहुत सारी ड्रेसेस पे यूज़ कर सकते हैं बिकॉज सॉलिड कलर है एंड इस तरीके से मिक्स एंड मैच करना मुझे पर्सनली बहुत पसंद है तो कम्फर्टेबल भी बहुत है एंड फुल पैसा वसूल हो जाएगा लाइक like. एंड इसमें आपको राइट हैंड साइड पर पॉकेट भी मिलती है तो अगर क्योंकि ये स्लेटेड कुर्ता है तो अगर आप कुछ रखना चाहते हैं तो भी रख सकते हैं एंड नेक्स्ट मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो पिंक कलर का कुर्ता पैंट्स एंड दुपट्टा का सेट है इट्स ऑल्सो फ्रॉम दी ब्रांड राज नंदनी तो मैं एक ही साथ दिखा दे रही हूँ बिकॉज ये दोनों बिल्कुल डिफरेंट पैटर्न के हैं जैसे लाइक ये मरून है एम्ब्रॉयडर्ड है वो थोड़ा सा सीक्वेंट वर्क किया गया है बट अच्छा वो भी बहुत अच्छा लग रहा है कहीं आप जाते हैं लाइक छोटा मोटा जैसे बोलो फैमिली गेट टुगेदर है या आप किसी घर जा रहे का था पूजा है, ऐसा थोड़ा सा कोई छोटा छोटा इवेंट है तो उसमें थोड़े कॉमन ड्रेसेस नहीं है ये जैसे लाइक सिंपल सा बिल्कुल आप पहन के ना जाना चाहें तो इस तरीके का पहन सकते हैं पिंक कलर का ये है इसमें नेक पे पूरा सीक्वेंट का वर्क मिलता है बहुत ही लग रहा है आपको प्लाजो पैंट्स मिलते हैं अच्छा है। प्रॉपर लेंथ का आपको ये दुपट्टा मिलता है इसमें कोई कमी नहीं है इस पूरे पीस में राउंड इसका नेक है एंड पीछे भी प्रिंट है आगे भी प्रिंट है एंड ओवरऑल लुक इसका बहुत ही ज्यादा अच्छा आ रहा है एंड जो नेक्स्ट मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ गाइज वो इस तरीके का कुर्ता है ब्लैक कलर का है एंड uh, इस तरीके से काफी स्मार्ट पीस है ऑफिस वेयर के लिए बहुत अच्छा है और इसमें आपको बहुत सारे कलर ऑप्शन मिल जाते हैं बॉटम वेयर पेयर करने के लिए बिकॉज आप देखिए इसमें जो भी डिजाइन हुए ऑरेंज है पिंक है ग्रीन है रेडिश है तो आप कोई भी बॉटम वेयर इसमें पेयर कर सकते हैं थ्री फोर्थ स्लीव मिलती है एंड आपको यहाँ पे बटन दी गई है तो आप इसे फोल्ड भी कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो थ्री फोर्थ स्लीव या फोल्ड करना चाहें तो शॉर्ट स्लीव हो जाएगी कॉटन फैब्रिक पर है एंड पीछे भी आपको पूरा प्रिंट मिलता है आगे मैंड्रीन कॉलर एंड यहाँ पर बटन्स मिलते हैं इसमें एक्स्ट्रा बटन भी प्रोवाइड किया गया है आपको इनकेस अगर आपका ये कोई भी बटन खो जाता है तो आप इसे ऐड कर सकते हैं इस तरीके का है स्लेटेड ये कुर्ता है मुझे बहुत अच्छा लग रहा था इस तरीके से स्लेटेड कुर्ता है फ्रंट स्लिट है एंड बटन पूरे मिलते हैं आपको ये ओपन नहीं होते फर्स्ट वाला ही ओपन होगा जिससे आपका आराम से गला चला जाए एंड कुछ सिंपल सा अगर आप देख रहे हैं ना तो इट्स फ्रॉम दी ब्रांड और आप इसे देख सकते कॉटन फैब्रिक पर है इस तरीके का आपको सिंपली एक मतलब बड़ा ही डिसेंट कलर है मैं इसको क्या बोलूँ पर्पल बोलूँ या कुछ ब्लू शेड में है ये इस तरीके का है एंड फ्रंट में यहाँ पे पट्टी लगाई गई है एम्ब्रॉयडर्ड है राउंड इसका नेक है थ्री फोर्थ इसमें स्लीव मिलती है स्लीवस के में भी हैवी इसमें हैवी थ्रेड से एम्ब्रॉयडरी की गई है एंड पीछे से पूरा प्लेन है बहुत ज़्यादा लॉन्ग कुर्ती नहीं है एंड ये स्लेटेड कुर्ता है लाइक यू नो जीन्स पे पहनने के लिए परफेक्ट कुर्ती है शेयर नहीं है मीडियम साइज के अकॉर्डिंग इसकी फिटिंग काफ़ी अच्छी है एंड ये बिल्कुल सिंपल एंड डिसेंट टाइप का अगर आप लुक चाहते हैं तो उसके लिए काफी अच्छा है ब्रांड है तो ब्रांडेड पीस है तो आप वो भी ट्राई कर सकते हैं सिंपल अच्छा लग रहा था आपको ट्राई ऑन में दिख गया होगा एंड नेक्स्ट मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ मैंने इसे मीडियम साइज में परचेज किया है राउंड इसका भी नेक है एंड थ्री फोर्थ स्लीव मिलती है एंड स्लिटेड ये कुर्ता है कॉटन फैब्रिक पर है पीछे भी पूरा प्रिंट है आगे भी पूरा प्रिंट है यहाँ पर आपको को पोटली बटन मिलती हैं इसमें थर्माकोल फिल्ड है एंड इस तरीके का है पट्टी लगाई गई है मतलब यही पट्टी आपको नेक पे स्लीव्स के एंड में एंड बॉर्डर पे भी मिलती है कपड़े के साथ का है ओवरऑल ये प्रिंट तो जितना भी आप इसे वॉश करेंगे ये प्रिंट कहीं नहीं जाने वाला है क्योंकि सारे कपड़े ऑलमोस्ट जो प्रिंटेड कपड़े आते हैं ना वही हैं तो बहुत अच्छा सा ये कलेक्शन था एंड प्योर कॉटन फैब्रिक सभी हैं इसमें आप इनमें से कोई भी ट्राई कर सकते हैं सभी का लिंक विंक जो भी है डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने प्रोवाइड कर दिया है इंक्लूडिंग वट आई एम वेयरिंग बिकॉज बहुत लोगों को जाना जानना होता है कि मैंने जो वेयर किया है वो कहाँ से लिया है ये पीस तो मेरा फेवरेट है गाइज मुझे बहुत पसंद आता है इसकी फ़िटिंग लुक सब कुछ बहुत अच्छा है तो ये वाला आप सबसे पहले ट्राई करना एंड उसके बाद आपको जो भी लेना है आप ले सकते हैं सो दैट सेट फोर टुडेज वीडियो गाइज आई रियली होप आपको ये कलेक्शन पसंद आया होगा ये ह्यूज हॉल आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा ऐसे और बहुत सारे वीडियोज़ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा एंड और किस टाइप के वीडियोज़ आप देखना चाहते हैं मुझे कॉमेंट करके जरूर बताइएगा तो मैं कोशिश करूँगी उस टाइप के वीडियोज़ आप लोग के साथ शेयर करने के लिए एंड आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर दीजिए जिससे आगे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल जाए एंड आप वो वीडियो टाइमली देख सकें एंड मैं मिल हूँ आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे अफोर्डेबल एंड ब्यूटीफुल कलेक्शन के साथ तब तक के लिए बाय